So we have seen metaphysics. Okay. In our last class, we have seen metaphysics in detail. Okay. Metaphysics we have seen and some concept related to epistemology. So let us recap all those things in brief. Okay. So first is, what do you mean by metaphysics? Okay. Sorry. Metaphysics, and second is your epistemology. Okay. Okay. तो आप ऐसे समझिए मेटाफिजिक्स को, जैसे मान लीजिए हमने पहले एक्सप्लेन किया है मेटाफिजिक्स में वी आर कंसर्न विद रियलिटीज. मेटाफिजिक्स इज थियरी ऑफ रियलिटी. ओके, कुछ प्रॉब्लम है क्या इसको? एक मिनट, इसका ये खराब हो गया, इसको चेंज करना. कोई नहीं, आज तो कर लेते हैं, कल इसकी ये चेंज करनी पड़ेगी. रियलिटी, मेटाफिजिक्स इज थियरी ऑफ रियलिटी. एक लाइन में आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स इज थियरी ऑफ रियलिटी. नाउ सेकंड इज योर इपिस्टेमोलॉजी. इपिस्टेमोलॉजी मीन्स थियरी ऑफ नॉलेज. ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. ओके, सो दैट इज योर थियरी ऑफ नॉलेज. ओके, नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल. ओके, वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज there is, for example, chocolate is there. Okay, chocolate is there, and now suppose chocolate is a kind of reality, it is a kind of thing that exists in this world. Now you have curiosity regarding chocolate, that how chocolate is made, who has made chocolate, from which material chocolate has been made. So you have so much curiosity, you have so many questions regarding this reality. It means that this is metaphysics. This is metaphysics. Now suppose I am having knowledge that chocolate is not good for health. Chocolate is not good for health. Based on this knowledge, will I consume the chocolate? No. It means when we are considering the knowledge perspective, then it means we are in epistemology. And when we are considering basically about how the reality has been made, who has made the reality, from which material the reality has been made, we are in metaphysics. You can take another example of cigarette. Okay. Here knowledge is smoking is injurious to health. So when you apply your knowledge on cigarette, that is metaphysical reality, you will not smoke. It means in different philosophers, we have to basically see the metaphysics of those philosophers and epistemology of those philosophers, and is there any relation between their metaphysics and their epistemology. Okay, so in one line, metaphysics is your theory of knowledge, or metaphysics is theory of reality. मेटाफिजिक्स इज हियर थियरी ऑफ रियलिटी. देखो ये दो टॉपिक ही है जिन पे आपकी पूरी फिलॉसफी चलेगी, इसलिए ये आपको क्लियर होने चाहिए. मेटाफिजिक्स इज नथिंग बट थियरी ऑफ रियलिटी, TOR. ठीक है, शॉर्ट में TOR लिखते हैं. एपिस्टेमोलॉजी इज योर थियरी ऑफ नॉलेज, TOK, टोर और टॉक. ठीक है, कहीं पे भी TOR लिखा हो तो आप समझ जाएंगे थियरी ऑफ रियलिटी, TOK थियरी ऑफ नॉलेज. ओके, अब आगे देखते हैं. ठीक है, ये तो हम सब चीजें डिटेल में देख चुके, दो तीन बार देख चुके. ओके,
ये हमने देख लिया मेटाफिजिक्स को थोड़ा, ठीक है। अब देखो मेटाफिजिक्स में ही थोड़ा सा और डिटेल में हम चलें, तो देखिए मेटाफिजिक्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, देन वी विल सी दी स्लाइड्स। मेटाफिजिक्स इज कंसर्न्ड विद थियरी ऑफ रियलिटी, ये दुनिया कैसे बनी है, किसने बनाई है, यही सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। अब देखो मतलब मेटाफिजिक्स क्या बोलती है कि ये वर्ल्ड कैसे बना हुआ है या हम कैसे बने हुए हैं, उसके बारे में पता करने की कोशिश करती है, ठीक है। वर्ल्ड, ह्यूमन बीइंग्स, इनको किसने बनाया। अब कुछ लोग क्या होते हैं जो कहते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड जो है वो किसी एक अल्टीमेट रियलिटी से, एक अल्टीमेट रियलिटी ने बनाया है। वन अल्टीमेट रियलिटी इज देयर, वन अल्टीमेट रियलिटी अगर मानेंगे तो वो क्या होगा, गॉड। इनके हिसाब से गॉड ने ही वर्ल्ड को बनाया, गॉड ने ह्यूमन बीइंग्स को क्रिएट किया, मतलब इस दुनिया में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसको बनाने वाला कौन है, गॉड। सो गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो जब एक अल्टीमेट रियलिटी होती है तो उसे हम बोलते हैं कि उसकी थियरी कौन सी है, मोनिज्म। मोनो मीन्स वंस, इज मीन्स थियरी। तो अगर कोई ये बोले कि दिस वर्ल्ड इज बेसिकली क्रिएटेड बाय ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी दैट इज गॉड, देन वी विल से दैट हिज मेटाफिजिकल थियरी इज मोनिज्म। समझ गया बात को। अगर कोई एक ही अल्टीमेट रियलिटी मानता है तो उसके हिसाब से इस दुनिया को किसने बनाया, गॉड ने, तो मोनिज्म थियरी को सपोर्ट करता है। कुछ ऐसे हैं जिनके हिसाब से देर आर टू अल्टीमेट रियलिटीज, जिन्होंने इस वर्ल्ड को बनाया या ह्यूमन बींग्स जिससे बने हुए हैं। अब अगर कोई दो अल्टीमेट रियलिटी को मानेगा तो उसको हम बोलेंगे डुअलिज्म। इज इट क्लियर? और अगर दो से ज्यादा हैं, मोर देन टू, यानी मैनी, इफ समवन इज सेइंग दैट दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैनी अल्टीमेट रियलिटीज, मैनी अल्टीमेट रियलिटीज आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड, देन वी से दैट दैट थियरी सपोर्ट्स प्लूरलिज्म। अब देखो मेटाफिजिक्स में हमारी में या तो कोई मोनिज्म होगा या कोई डुअलिज्म होगा या फिर कोई प्लूरलिज्म होगा, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ये सब आगे स्लाइड्स में लिखा हुआ है, अभी समझा रहा हूँ। अब देखो हम मोनिज्म देखते हैं सबसे पहले, फिर डुअलिज्म देखेंगे अलग से। मोनिज्म का मतलब है कि दिस वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी। अब ये अल्टीमेट रियलिटी देखो गॉड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वो हम देखेंगे कि अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग चीज को माना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि आपका हम देखते हैं सबसे पहले जैसे स्पिनोजा हमारे वेस्टर्न फिलोसफर है, ये सपोर्टर्स आपके देखते हैं कि किस किस फिलोसफर ने मोनिज्म को सपोर्ट किया है, सपोर्टर्स ऑफ मोनिज्म, ठीक है। स्पिनोजा हम वेस्टर्न फिलोसफी में पढ़ेंगे, तो स्पिनोजा ने बोला है कि दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय गॉड, एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो इन्होंने अल्टीमेट रियलिटी कितनी मानी है, सिर्फ एक। अब आप शंकर पे आ जाओ इंडियन फिलोसफी में, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल इंडियन का लेंगे एक वेस्टर्न का लेंगे। तो इंडियन फिलोसफी में शंकर ने सपोर्ट किया है, लेकिन शंकर ने उस अल्टीमेट रियलिटी को एक ही माना है, लेकिन उसको गॉड नहीं बोला है शंकर ने, शंकर ने बोला है ब्रह्म। और ये ब्रह्म जो है ना, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये ब्रह्म है ना आपका गॉड से भी बढ़कर है, गॉड ब्रह्म के आगे कुछ नहीं है, ओके, हो
ओके, तो ब्रह्म जो है उसको अल्टीमेट रियलिटी माना है। आज तक की जो सबसे जो साइंटिफिक और जो अपीलिंग थियरी है दैट इज ऑफ शंकर एंड सेकंड इज बुद्धिस्ट। ओके, तो दो फिलोसफी आपकी बहुत ज्यादा अपीलिंग है, वन इज शंकर एंड सेकंड इज बुद्धिस्ट। वी विल सी देम इन डिटेल। ये आपको आपकी लाइफ रेगुलेट करने में हेल्प करती है। अगर आप इन दो थियरीज को अच्छे से समझ लो तो आप लाइफ में कभी भी ना दुखी नहीं होगे, ठीक है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाओगे लाइफ से। ओके, तो आगे पढ़ेंगे शंकर। और इसको शंकर की देखो एक बहुत अच्छी, इन्होंने एक वो है बोला है ब्रह्म सत्यम। आगे तो हम पढ़ेंगे ब्रह्म सत्यम, ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रह्म को, ऐसे भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जीवो ब्रह्ममेव नापर। इट मीन्स ब्रह्म इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। इट मीन्स ब्रह्म इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। दिस जगत इज मिथ्या एंड इट मीन्स जीवा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म बट जीवा इज आइडेंटिकल टू ब्रह्म। ठीक है, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसका मैं आपको एसेंस बताता हूं एक लाइन में। शंकर के हिसाब से हम सब जीवा हैं और हम सब भगवान के बराबर हैं। वी आर आइडेंटिकल टू ब्रह्म। ये जो गॉड है ना, ये अलग गॉड है, इसकी हम बात करेंगे। इसने दो तरह के गॉड माने, एक तो ये गॉड तो माने, ये साथ में ब्रह्म माने। वी ऑल आर आइडेंटिकल टू ब्रह्म, मतलब उन्होंने जो हम हैं ह्यूमन बीइंग्स जीवा है उसको गॉड के बराबर माना है। लेकिन उसके लिए हमें उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए पहले ये जगत जब हमें लगेगा ना मिथ्या है, जब इस जगत को हम मिथ्या मान लेंगे, मतलब ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इससे जब हम ऊपर उठ जाएंगे तभी हम ब्रह्म को पा पाएंगे। जैसे कई बार नहीं होता किसी का दिल टूट जाता है, ठीक, दिल टूट जाता है किसी का, तो वो कहता है कि ये दुनिया ये सब मोह माया है, ये सब मिथ्या है। या किसी का केएस प्रीलिम्स नहीं निकलता है, वो बोलता है सब मोह माया है। वो मोह माया कब पता चलती है? जब आपको सच्चाई का ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये सब सच्चाई का ज्ञान आपको कराएंगे हम जब शंकर पढ़ाएंगे। ओके, तो शंकर के हिसाब से ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। भगवान जो है ना ब्रह्म, वही सत्य है, बाकी सब तो मिथ्या। देखो मिथ्या है ही ना, देखो ये दो आपको समझ आ गए ना, मैं इसी को आगे डिटेल में लेके चलता हूँ। थोड़ा मिथ्या कैसे है, जैसे आपकी बॉडी है, क्या वो बॉडी आपकी परमानेंट है? नो। क्या आपके पास जो मटेरियल वेल्थ है यानी मनी, क्या वो परमानेंट है? नो। अनिल अंबानी का केस देख लो, बाकी लोगों का केस देख लो, किसी की क्या प्रॉपर्टी उसके बाद हमेशा रहने वाली है? नहीं। क्या ये जगत परमानेंट है जिसमें हम रह रहे हैं? नहीं, ये भी खत्म हो जाने वाला है। कितनी बार इवोल्यूशन हो चुका है, ठीक है, अब आई से जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर नया कुछ इवॉल्व होगा। यानी कि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वो भी आपका रियलिटी में आप देखो तो वो भी क्या है, आपका परमानेंट थोड़ी ना है, इटरनल थोड़ी ना है, दैट इज नॉट इटरनल। ठीक है, ना तो वर्ल्ड इटरनल है ना आप ह्यूमन बींग्स इटरनल है। लेकिन शंकर के हिसाब से हम इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि बेसिकली हम इनके अटैचमेंट में जो रियलिटी है उसको भूल गए, यानी ब्रह्म को ढूंढना भूल गए। ओके, दैट इज द बेसिक थियरी ऑफ योर, बेसिक फिलोसफी ऑफ योर शंकर। बहुत डिटेल में है, ठीक है। अब हम क्यों भूल गए उसके लिए माया आएगी बीच में, माया का कंसेप्ट है, ठीक है, तो माया पढ़ेंगे क्या चीज है। ठीक है, तो ये जो शंकर की थियरी अगर आप लॉजिकली भी देखो तो एवरीथिंग इज बेसिकली इम्परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ये वर्ल्ड खुद ही इम्परमानेंट है। क्या आप इस जगत में परमानेंट रहने वाले हो? नहीं। क्या ये जगत परमानेंट रहने वाला है? नहीं। क्या आपके पास जो मटेरियल वेल्थ है वो परमानेंट रहने वाली? नहीं। कल को आप केएस बन गए, फिर आपको आईएएस बनना बनना है, फिर आईएएस बनने के बाद आपको मिनिस्टर बनना है। तो ऐसे करके ये जो इच्छाएं हैं ये तो आपकी चलती रहेंगी, लेकिन इनके पीछे भागते भागते हम ब्रह्म को कहीं भूल गए। लेकिन एक चीज और है शंकर में, शंकर ये नहीं कहता कि आप पैदा होते ब्रह्म के पीछे लग जाओ। शंकर कहता है पहले इस वर्ल्ड को जियो,
इस वर्ल्ड का जितना भी आपको लगता है जो चीजें आपकी हैं, आपको जो आकर्षित करती है उसको जियो। फिर जब आपका इस वर्ल्ड से मोह भंग हो जाए, ठीक है, जब इस वर्ल्ड से आपको लगे कि ये मिथ्या है, तब आप क्या करो, ब्रह्म की खोज में निकलो। लेकिन शंकर का कहना यह है कि लोग क्या है, अब आपके पास मनी कितनी हो, पैसा तो ऐसा है जितना हो उतना ही कम है, मुकेश अंबानी है, ठीक है, आपका अडानी है, इनके पास इतना पैसा है कि वो साथ लेके जाएंगे? नहीं, वो तो अब और कमाने में लगे हुए हैं। तो शंकर का कहना यह है कि एक लिमिट से ज्यादा चीजों के पीछे आप भागते हो तो आप क्या है, मिथ्या कभी आपको लगेगा ही नहीं वर्ल्ड, वो हमेशा आपको अट्रैक्ट करेगा। मतलब आप इस माया के, जो शंकर का कंसेप्ट है माया का, आप इस माया से बाहर ही नहीं निकल सकते। और जब तक आप इस माया से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपको भ्रम नहीं मिल सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका क्लाउड सन होता है, सन को कई बार आपका क्लाउड कवर कर लेता है, तो क्या आपको सन दिखेगा जब तक आपका क्लाउड नहीं हटेगा? नहीं। ऐसे ही आपके भ्रम को किसने कवर किया हुआ है? माया ने। ये माया का पर्दा जब तक आपके आगे से नहीं हटेगा आपको ब्रह्म नहीं मिल सकता। अदरवाइज शंकर का कहना है ऑल जीवास आर आइडेंटिकल टू ब्रह्म, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ शंकर्स फिलोसफी, ठीक है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इनका। ओके, सो वी वर बेसिकली वी वर डिस्कसिंग मोनिज। तो मोनिज इज क्लियर, मोनिज में दो फिलोसफर हैं आपके, इंडियन में शंकर और वेस्टर्न में स्पिनोजा। नाउ लेट अस टेक सेकंड पॉइंट, दैट इज डुअलिज्म। ओके, ये जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ यही आपके बस काम के, बाकी तो फिलोसफी इज वेरी इजी। ओके, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज डुअलिज्म। डुअलिज्म मीन्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, जिनसे दुनिया बनी है, जिनसे हम बने। तो अब आप में इसमें इंडियन फिलोसफर देख लेते हैं, वेस्टर्न देख लेते हैं। तो वेस्टर्न फिलोसफी में जो इसको सपोर्ट करता है वो है डेकार्ट। ओके, डेकार्ट ने इसको सपोर्ट किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफर। ओके, एवरी ईयर वन और टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फिलोसफर। इंडियन फिलोसफी में किसने सपोर्ट किया? दो फिलोसफर है इंडिया में जिन्होंने इंडियन फिलोसफी में सपोर्ट करने वाले दो हैं, सांख्या और दूसरा है आपका मध्वाचार्य। हम जब पढ़ते हैं तो हम सिर्फ मधवा इतना ही पढ़ते हैं, मधवा, ठीक है, आचार्य नहीं लिखते। फुल तो इनका मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, आचार्य इसलिए लगाते थे कि काफी ज्ञानी थे, लेकिन हमारी फिलोसफी में अब इतने बड़े नाम याद करने में, लिखने में दिक्कत होती है, तो हम सिर्फ हर जगह पे मधवा ही लिखते हैं। आप पेपर भी देखोगे तो वहां पे भी मधवा ही लिखाएगा, शंकर लिखाएगा, शंकराचार्य कहीं नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इनको आचार्य की उपाधि दी गई थी क्योंकि काफी ज्ञानी थे, उसमें हम नहीं जाते हैं, ठीक है, क्यों दी गई, कैसे दी गई। सांख्या ने दो अल्टीमेट रियलिटी मानी है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। अब देखो आपका जो टॉपिक था हमारा, हमने देखा था प्रकृति और पुरुष, ये एक टॉपिक है हमारा फिलोसफी में, ये सिर्फ हमें कहाँ पढ़ना है? सांख्या में। और सांख्या के अलावा किसी ने प्रकृति और पुरुष की बात नहीं की है, तो सांख्या ने इनकी एक्सक्लूसिव बात की है, तो आप मान के चलो सांख्या से क्वेश्चन आ नहीं आना। ओके, प्रकृति को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? जैसे आपकी नेचर है, नॉन लिविंग मेटेरियल, और पुरुष कौन सा हो गया आपका? जीवा, सोल टाइप। ओके, तो इसने दो तरीके अल्टीमेट रियलिटी मानी है, एक प्रकृति मानी है। तो प्रकृति नेचर है, तो नेचर कैसा है? मेटेरियल है। और सोल आपकी कैसी है? स्पिरिचुअल है। अब आपको ध्यान हो तो हम मेटाफिजिक्स में दो चीजों की बात करते हैं, एक तो नंबर ऑफ अल्टीमेट रियलिटीज, नंबर इनका कितना हो गया? दो हो गया, और दूसरा नेचर। तो नेचर अगर आप देखो तो सांख्या ने मेटेरियल को भी माना है, साथ में स्पिरिचुअल को माना है, इज इट क्लियर। अब मधवा पे आप आओगे तो मधवा ने दो तरह की अल्टीमेट रियलिटी मानी है, एक इंडिपेंडेंट रियलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंडिपेंडेंट रियलिटी, और एक डिपेंडेंट रियलिटी। इंडिपेंडेंट रियलिटी में गॉड आता है,
और डिपेंडेंट रियलिटी में हम आते हैं, एक तो जीव और दूसरा आता है जगत। अब आप बोलोगे सर यहां तो ये तीन हो गए। नहीं, तीन नहीं होंगे, इसने बेसिकली दो ही माने, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। अब वो डिपेंडेंट में दो आते हैं तीन आते हैं वो अलग चीज है, लेकिन इसके लिए अल्टीमेट रियलिटी दो ही है, गॉड इंडिपेंडेंट है जिसने सबको बनाया, लेकिन ये भी साथ में एग्जिस्ट करते थे, तो इसलिए इसने दो अल्टीमेट रियलिटीज मानी है। आगे डिटेल में देखेंगे मध्वाचार्य में। अभी आप इतना याद रखो कि हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। ओके, जब डिटेल में तो ये सारे फिलोसफर्स हमें पढ़ने। डेकार्ट ने क्या माना है? डेकार्ट ने माना है माइंड एंड बॉडी, दो अल्टीमेट रियलिटी मानी है, माइंड एंड बॉडी। बेसिकली जो वेस्टर्न फिलोसफी है ना, वहां पे सोल का कंसेप्ट नहीं है। वेस्टर्न फिलोसफी में बेसिकली माइंड और सोल को बराबर माना गया है दोनों, ठीक है? मतलब इन्होंने माइंड और सोल में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया है, इनके हिसाब से माइंड इज इक्वल टू सोल। लेकिन इंडियन फिलोसफी में माइंड को और सोल को अलग अलग माना गया है। ओके, तो यहां पे इन्होंने दो दो अल्टीमेट रियलिटी मानी है, माइंड एंड बॉडी, इसलिए इनको क्या कहते हैं? डुअलिस्ट फिलोसफर। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझाने के लिए पेपर में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डुअलिस्ट, ये पहले प्रीलिम्स में पूछे जाते थे, लेकिन ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे आगे आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है, सो मोनिज्म इज क्लियर, डुअलिज्म इज क्लियर, नाउ लेट अस टेक प्लूरलिज्म। ओके, प्लूरलिज्म को ले लेते हैं। इन प्लूरलिज्म, इन इंडियन फिलोसफी वी हैव फर्स्ट इज चार्वाक, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, चार्वाक एज एक्सेप्टेड एटम्स। देन न्याय वैशेषिका वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड न्याय वैशेषिका। ओके, इन लास्ट क्लास बोथ ऑफ देम हैव एक्सेप्टेड एटम्स एज द अल्टीमेट रियलिटी, और एटम्स तो आपको पता ही है कितने होते हैं, इन्यूमरेबल होते हैं, इसलिए प्लूरलिज्म। और एटम्स कैसे हैं आपके? एटम्स आर बेसिकली मटेरियल इन नेचर। और आपका वेस्टर्न फिलोसफी में अगर आप जाओगे तो वेस्टर्न फिलोसफी में आपका लाइबनीज, देखो लाइबनीज के हिसाब से भी ये वर्ल्ड एटम्स का बना हुआ है, दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। लेकिन लाइबनीज का कहना यह है, यहां पे एटम्स कैसे हैं आपके, ये दोनों एटम्स कैसे इनएक्टिव हैं, लेकिन लाइबनीज के जो एटम्स है ना, दे आर एक्टिव इन नेचर। एक्टिव का मतलब उसने उन एटम्स को नाम दिया मोनेड्स, ये वर्ड है मोनेड्स, MONADS, मोनेड्स। इसको ऐसे समझो, लाइबनीज के हिसाब से एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मोनेड्स, ठीक है? हर चीज मोनेड्स की बनी हुई है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मोनेड्स। इसलिए लाइबनीज की जो फिलोसफी है, जो थ्योरी, उसको कहते हैं मोनेडोलॉजी। यहां से भी क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है? आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, KS के IAS के, यहां से क्वेश्चन आता है। लाइबनीज का कहना है कि हम ह्यूमन बींग्स भी मोनेड्स के बने हुए हैं, गॉड खुद भी एक मोनेड है, टेबल चेयर, ये मेरे हाथ में जो आपका पेन है, ये जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं, ये हर चीज किसकी बनी हुई है? मोनेड्स की। एंड दिस मोनेड्स आर कॉन्शियस इन नेचर। अब देखो, अगर मोनेड्स कॉन्शियस है लाइबनीज के हिसाब से, तो टेबल बात क्यों नहीं करती है, चेयर चलती क्यों नहीं है, पेन अपने आप मूव क्यों नहीं करता है, या लैपटॉप कोई आपका एक्टिविटी क्यों नहीं करता है? लाइब्रेरीज ने इन सब का जवाब दिया है कि कॉन्शियस होते हुए भी ये आपके हमको ऐसे क्यों दिखते हैं जैसे कि ये इनएनिमेट है, ठीक है? एनिमेटेड ऑब्जेक्ट टाइप दिखते हैं, मतलब ये मेटेरियल क्यों दिखाई देते हैं? अगर कोई चीज कॉन्शियस है तो वो बात करनी चाहिए, वो हिलनी चाहिए। जैसे आप एनिमेटेड मूवीज नहीं देखते हो, एनिमेटेड मूवीज में टेबल भी बात कर रही है, चेयर भी बात कर रही है, तो लाइब्रेरीज का कंसेप्ट वही है। हमारी जितनी भी वर्ल्ड में जो भी चीजें, उन सब में कॉन्शियसनेस है, एवरीथिंग इज कॉन्शियस, क्योंकि मोनेड आपका कॉन्शियस है
और मॉनेड कॉन्शियस है, हर चीज मॉनेड की बनी हुई तो हर चीज कॉन्शियस हो गई। फिर ये लोग टेबल हमें मटेरियल क्यों दिखाई देते हैं, चेयर क्यों हमें दिखाई देती है अलग से, पैन क्यों हमें मटेरियल दिखाई देता है? इसके लिए लाइबनीज ने एक थियरी दी है जो हम इसकी उसमें पढ़ेंगे, मेटेरिया प्राइमा। इसलिए क्वेश्चन आता है यहां से, कॉन्फ्लिक्ट है ना थियरी में, मेटेरिया प्राइमा एंड मेटेरिया सिकुंडा। ओके, इस थियरी में हम देखेंगे कि भाई आपको अगर सब चीज कॉन्शियस है फिर मटेरियल एटम्स क्यों दिखाई देते हैं, मतलब कोई भी कॉन्शियस चीज आपको मटेरियल क्यों दिखाई देती है। देखो वैसे समझो, जैसे लाइबनीज को आप ऐसे समझो, जैसे कोई बहुत ज्यादा आपका मान लो कि बहुत लेजी पर्सन है, अब वो लेजी पर्सन क्या है, हमेशा सोता ही रहेगा। अब वो सो ही रहा है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ये मटेरियल बॉडी की तरह पड़ा हुआ है, उसमें इनर्शिया इतना ज्यादा है कि वो कुछ काम ही नहीं करना चाहता। सिमिलरली इसने मेटेरिया प्राइमा और मेटेरिया सिकुंडा में समझाया है कि ये टेबल चेयर वगैरह जो होते हैं ना, ये कॉन्शियस तो है लेकिन इनमें कॉन्शियसनेस की क्वांटिटी इतनी कम है कि दे अपियर लाइक मटेरियल। ओके, और ये सब कॉम्बिनेशन में होते हैं, मतलब सारे ये जितने भी इनएक्टिव एटम्स हैं ये सारे कॉम्बिनेशन में होते हैं। जैसे एक टेबल है, एक टेबल बहुत सारे मोनेट से बनी हुई है, तो टेबल जब बहुत सारे मोनेट से बनी हुई है सारी इनएक्टिव है, तो जब इतनी ज्यादा इनएक्टिविटी कंबाइन हो जाती है तो वो हमें कैसा लगता है, जैसे कि मटेरियल। ओके, फिर इसने हायरार्की की है कि सबसे नीचे आपके मटेरियल एटम्स आ गए, ये मटेरियल एलिमेंट्स हो गए, इनमें सबसे मटेरियल जो आपके ऑब्जेक्ट्स है इनमें सबसे कम कॉन्शियसनेस होती है। फिर उसके ऊपर आपके प्लांट्स आ गए, उनमें थोड़ी सी ज्यादा है, प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स आ गए उनमें और ज्यादा है, फिर ह्यूमन बींग्स आ गए उनमें और ज्यादा है, और सबसे ऊपर गॉड आ गए उसमें सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, किस तरह से इसने डिवाइड किया है, ये हायरार्की किस तरह से बनी। ओके, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है लाइबनीज को लेके, वी विल सी इट इन डिटेल, हर साल क्वेश्चन आता है। ओके, तो लाइबनीज, प्लुरलिज्म इज क्लियर, मोनिज्म इज क्लियर, ड्यूअलिज्म इज क्लियर। ओके, तो अब आपके सामने स्लाइड है, उसको एक बार पढ़िए, मोनिज्म को क्या लिखा है। ओके, एक मिनट दे रहा हूँ आपको मोनिज्म पढ़ने के लिए, मतलब सारी स्लाइड एक एक करके पढ़ते जाइए, मैं साथ में आपको टाइम दे रहा हूँ, कहाँ कहीं पे भी डाउट हो यू कैन आस्क। मोनिज्म, only one ultimate reality behind the origin of this life and universe, supporters are Indian philosophy, we have Shankar. Okay, there you can see Indian philosophy, we have Shankar, and your western philosophy is Spinoza. Okay, Shankar में हमने लिखा भी है ब्रह्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया, ब्रह्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ब्रह्म को ऐसे भी लिख सकते हो, आप ब्रह्म को ऐसे भी लिख सकते हो। कई लोगों को तो यही डाउट होता है, इसी चक्कर में उनकी रात की नींदें हराम रहती है कि सर कई बार तो ब्रह्म को BRHAMAN लिखते हैं, कई बार BRHAM लिखते हैं, कई बार BRHAM लिखते हैं, सब बराबर। ओके, सब मोह माया, ठीक है। सेकंड इज स्पिनोजा। ओके, सो स्पिनोजा इज एक्सेप्टेड गॉड। ओके, सो दोज हु बिलीव इन मोनिज्म मोस्टली एक्सेप्ट क्रिएशन थियरी। क्रिएशन थियरी सेज दैट this world is created by God. Okay, I already explained all these points in very detail. Is it clear? Okay, कहीं पे doubt हो पूछ लेना। Second is monism, dualism. किसी को doubt आया कुछ? Doubt हो तभी आप लिखिए, ठीक है? वैसे नहीं। Okay. Second is dualism. Okay. So dualism आपका ये सब red से लिखा है, color change करते हैं इनका। देखो बेसिकली मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं फिलोसफी आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना जो मैं पढ़ा रहा हूं और समझ लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 300 नंबर आपको आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके मार्क्स 280 से लेके 320 या 350 तक भी जा सकते हैं, 320 तक हम मान लेते हैं, इतना वेरी करेंगे। ऑप्शनल में इतने नंबर आपको आने ही चाहिए, क्योंकि अब देखो 257 सीट्स आई हैं, गोल्डन चांस है। अब इसके बाद कब आएंगी वो कुछ नहीं पता, और कम आएंगी कितनी आएंगी, आप आराम से अगर ऑप्शनल में 250 प्लस भी लाते हो, चलो यहाँ तो आप इजिली 280 स्कोर कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप कोई टफ ऑप्शनल भी ले लेते हो
खुद से भी पढ़ते हो और आप 250 प्लस भी स्कोर करते हो, यू हैव ए ब्राइट चांस। बस ये है कि आप ऐसे और एथिक्स में भी अच्छा स्कोर करो, वो भी हो जाता है आराम से, ठीक है? आपको आंसर राइटिंग करोगे सब हो जाता है, लेकिन फिलोसफी में जितना हम पढ़ रहे हैं और आपको अगर वो समझ आ रहा है, आप समझ रहे हो, तो आप आराम से 280 से लेकर 320 या इससे भी ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो, मतलब 300 के आसपास। हमारे जितने बच्चे थे अभी कुछ तो है उसमें क्लास में, ठीक है, 2016 में सबको 400 प्लस नंबर थे, 400 तो थे ही फिलोसफी में, ठीक है? अब इस साल बेसिकली क्या हुआ, जो इस साल का रिजल्ट आया इसमें फिलोसफी का एक भी बच्चा नहीं है, फिलोसफी क्या काफी ऑप्शनल्स के बच्चे नहीं है जो लेटेस्ट रिजल्ट आया। उसका रीजन ये, ना तो फिलोसफी उस समय हमने पढ़ाई, कोई बच्चा था ही नहीं उस समय, फिलोसफी की क्लास ही नहीं हुई। दूसरी चीज ये कि फिलोसफी से अपियर होने वाले काफी कम बच्चे थे पिछली बार, और हमारे जो 2016 वाले बच्चे थे वो कोई अपियर नहीं हुआ। तो किसी भी ऑप्शनल का आप रिजल्ट देख के, ऐसा नहीं कि भाई 2016 में तो फिलोसफी के इतने सेलेक्ट हो रहे हैं और 2017 या 18 वाला हो रहा है उसमें कोई नहीं हो रहा, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस के नहीं हुए सेलेक्ट। क्यों? क्योंकि उस ऑप्शन में अपेयर होने वाले ही बहुत कम लोग थे, तो ये चीज भी देखनी होती है। लेकिन फिर भी फिलोसफी में किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, एक बच्चे को 270 भी है, विच इज अ वेरी गुड स्कोर, क्योंकि आपके बाकी ऑप्शनल जो है भले से ज्योग्राफी से सेलेक्ट बहुत हुए हैं लेकिन उसमें ऑप्शन में नंबर बड़े कम है। तो ऑप्शनल अकेला सिलेक्शन नहीं कराएगा ना भाई, ऑप्शनल के साथ आपको कुछ, तो पहले तो क्या होता था, दो ऑप्शनल होते थे, अब एक ऑप्शनल के साथ आपको सपोर्ट चाहिए ना, दैट सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय एसे एंड एथिक्स। ओके, सो एसे और एथिक्स आपको वो सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अगर आप एसे और एथिक्स को टेक फॉर ग्रांटेड ले लोगे ना, क्योंकि लोग एसे और एथिक्स को टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, GS1 सब पढ़ लेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी, GS2 सब पढ़ लेंगे पॉलिटी गवर्नेंस, GS3 सब पढ़ लेंगे इकोनॉमी वगैरह ये साइंस एंड टेक, लेकिन GS4 एथिक्स में सब्जेक्टिविटी है, आपको पता ही नहीं क्या लिखना है, केस स्टडीज कैसे करनी है, और ऐसे में आप कुछ भी लिख के आ रहे हो हवा में, नहीं, एक पैटर्न होता है लिखने का, ऐसे लिखने का एक पैटर्न होता है, एथिक्स के क्वेश्चन करने का एक पैटर्न होता है, ठीक है? साथ के साथ डिस्कस करेंगे ड्यूअलिज्म के, आप पढ़िए थोड़ा सा, टू अल्टीमेट रियलिटीज, ओके, इंडियन में मधवा, इंडिपेंडेंट रियलिटी मानिए गॉड को, और डिपेंडेंट रियलिटी किसको माना है, जीव और जगत को। अब देखो, जीव को माना है और दूसरा जगत को माना है, ये डिपेंडेंट रियलिटी है दोनों। बेसिकली जीव है ना, बेसिकली जीव जो है आपकी, जीव को हम बोलते हैं चित्त, ये वर्ड याद रखना, चित्त, चित्त का मतलब होता है कॉन्शियस, और जगत को बोलते हैं अचित, अचित मीन्स मेटेरियल। अब मधवा के हिसाब से ये दोनों आपकी डिपेंडेंट रियलिटी है, एक रियलिटी, और इंडिपेंडेंट रियलिटी कौन है आपकी, गॉड, तो अगर आपकी ये डिपेंडेंट रियलिटी है और ये इंडिपेंडेंट रियलिटी, तो इनको डिपेंडेंट रियलिटी क्यों बोला है, क्योंकि किस पे डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट ऑन गॉड, इज इट क्लियर? सो बेसिकली मधवा इज एक्सेप्टेड टू टाइप्स ऑफ रियलिटीज, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ओके, बट इन डिपेंडेंट देर इज फर्दर क्लासिफिकेशन, दैट इज जीवा और चित्ता, एंड जगत दैट इज अचित्ता। ये इनको जीवा जगत और चित्ता अचित्ता क्यों बोलते हैं, ये भी जब मधवा पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। बेसिकली दो तरह की फॉर्म होती है, सबटल फॉर्म, ठीक है, एक होती है सबटल फॉर्म और एक होती है ग्रॉस फॉर्म। जैसे आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, आपकी बॉडी जो है ना वो दिखाई दे रही है तो वो ग्रॉस फॉर्म है, लेकिन जब आपकी बॉडी डिके हो जाएगी, जब आपकी बॉडी क्या होगी, जब आपकी डेथ होगी, तो बॉडी को जलाएंगे या दफनाएंगे जो भी करेंगे, उसके बाद बॉडी विल कन्वर्ट इनटू एटम्स ऑफ अर्थ एयर वाटर फायर। लेकिन हम इन एटम्स को देख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि एक बार आपकी बॉडी चली गई उसके बाद हम नहीं देख सकते, तो ये सबटल फॉर्म है जिसको नहीं देख सकते, और ग्रॉस फॉर्म क्या है, जब वो एक फॉर्म ले लेती है जिसको हम देख सकते हैं, दैट इज योर ग्रॉस फॉर्म। तो ये जो चित्त है ना आपका, चित्त इज सबटल फॉर्म और जीवा इज ग्रॉस फॉर्म, है दोनों चीजें सेम ही, बस फॉर्म चेंज है, ऐसे अचित्त इज सबटल फॉर्म एंड जगत इज ग्रॉस फॉर्म।
वी विल सी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। ओके, यहाँ तो मैं की कॉन्सेप्ट्स आपको डिस्कस करता जा रहा हूँ ताकि आगे मैं जब डिस्कस करूँ तो प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो दिस इज योर बेसिकली डुअलिज्म। इन डुअलिज्म वी हैव मधुवा, इंडिपेंडेंट रियलिटी एंड डिपेंडेंट रियलिटी, देन सांख्य। सांख्य इज एक्सेप्टेड, फिर करती है पुरुष, एंड नेक्स्ट वेस्टर्न फिलोसफी वी हैव डेकार्ट, माइंड एंड बॉडी। ओके, यहां किसी को डाउट हो पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्लूरलिज्म। ओके, ये चीजें क्लियर तो फिलोसफी क्लियर, ठीक है। प्लूरलिज्म में मैनी अल्टीमेट रियलिटीज अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। सपोर्टर्स कौन है इंडिया में न्याय वैशेषिका? न्याय ने कौन से माने? एटम्स ऑफ अर्थ, एयर, वाटर, फायर, आकाश, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। चरवाका, एटम्स ऑफ अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ये भी हम बात कर चुके हैं। जैनिज्म, जैनिज्म की हमने बात नहीं की लेकिन जैनिज्म ने भी बहुत सारी मानी है, जैनिज्म में देखेंगे। वेस्टर्न में कौन है? लाइबनीज, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है लाइबनीज को बहुत अच्छे से। मोनेड्स, ओके, मोनेड्स आर नथिंग बट कॉन्शियस एटम। ओके, देखो इसने भी माना तो एटम्स ही है लेकिन इसके एटम्स कैसे हैं? कॉन्शियस। देखो बेसिकली जो एनिमेटेड मूवीज बनाते हैं वो कहीं से तो अपनी इंस्पिरेशन लेते होंगे कि बेसिकली टेबल भी बात कर रही है, चेयर भी बात कर रही है, ठीक है, सब चीजें बात कर रही है, फोन भी बात कर रहा है आपका, तो वो कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन लेते ही होंगे ना, तो वो भी यही इन थियरीज से इंस्पिरेशन लेते हैं। जैसे आज को मैंने पढ़ा मोनेड्स के बने होते हैं तो सब चीज आपकी क्या होती है? कॉन्शियस होती है, तो कल को मैं भी इस कंसेप्ट में मूवी बना सकता हूँ। यानी ऐसा नहीं कि जो चीजें डेवलप हुई हैं, डेवलपमेंट जो भी हुआ है वो ऐसे ही हो जाता है, कहीं ना कहीं से उनका इंस्पिरेशन होता है। तो लाइबनीज के जो एटम्स है ना, दे आर कॉन्शियस, उसके हिसाब से हर चीज कॉन्शियस है, भले इसे टेबल हो, चेयर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो, कुछ भी हो, ओके, लेकिन कॉन्शियसनेस का लेवल अलग अलग होता है। ओके, वो हम डिटेल में देखेंगे, मैटेरिया प्राइमा, मैटेरिया सिकुंडा और इसकी बाकी हायरार्की। ओके, सो दीज थ्री थिंग्स आर क्लियर। अब नेचर क्या हो सकता है? हम नंबर और नेचर की बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो नेचर, नंबर की हमने बात कर ली, अब नेचर की बात करते हैं। ओके, तो नेचर में अगर आप देखो, मेटेरियल हो सकता है या फिर स्पिरिचुअल हो सकता है, जैसे कॉन्शियस भी कहते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं किसी ने माने हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल चरवाका है ओनली मेटेरियल, क्योंकि चरवाका के एटम्स कैसे हैं? मेटेरियल है। ओनली स्पिरिचुअल, शंकर का भगवान कैसा है? ब्रह्म, स्पिरिचुअल है। स्पिनोजा का भगवान कैसा है? स्पिरिचुअल या कॉन्शियस। लाइबनीज के मोनेड्स कैसे हैं? स्पिरिचुअल और कॉन्शियस, जिन्होंने दोनों माने। डेकार्ट, डेकार्ट ने क्या क्या माना है? माइंड एंड बॉडी। तो माइंड कैसा है आपका? कॉन्शियस। बॉडी कैसी है? मटेरियल। मधुवा ने क्या माने? डिपेंडेंट रियलिटी और इंडिपेंडेंट रियलिटी। डिपेंडेंट रियलिटी में भी आपका जीव और जगत, तो ये जगत तो आपका मटेरियल हो गया गॉड, और ये जीव आपका क्या हो गया? कॉन्शियस। सांख्य ने क्या माना? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति कैसा है? मटेरियल। पुरुष कैसा है? कॉन्शियस। इज इट क्लियर? मतलब नंबर और नेचर, तो आपको अब वो सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब आपको मेटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, इन दोनों की डेफिनेशन, ठीक है, वो तो मैं समझा चुका हूँ आपको। मेटेरियलिज्म का मतलब क्या है? व्हेन अल्टीमेट रियलिटी इज मेटेरियल इन नेचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका चरवाका में हमने देखा एटम्स। स्पिरिचुअल, व्हेन अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल इन नेचर, जैसे आपका शंकर, स्पिनोजा वगैरह का। और बोध का मतलब व्हेन अल्टीमेट रियलिटी इज मटेरियल एज वेल एज कॉन्शियस, जैसे आपका डेकार्ट, जैसे आपका मधुवा। ओके, इज इट क्लियर? अब ये आपके लिए एक चार्ट है, ठीक है, इस चार्ट को देखो, इसमें पूरा का पूरा ये जितना भी है इस सबको समराइज किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए चार्ट को एक बार, ठीक है, दो मिनट ले लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसको एक बार,
समझ आ गया? समझे? समझ आ गया सबको? डू आई नीड टू इलेबोरेट दिस? हाँ जी, पैटर्न ऑफ ऐसे राइटिंग आज थोड़ी ना डिस्कस, पैटर्न ऑफ ऐसे राइटिंग अभी फिलोसफी पढ़ाते पढ़ाते कैसे पैटर्न ऑफ ऐसे राइटिंग। फॉर ऐसे राइटिंग यू नीड टू हैव सम कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ओके, समझ आ गया? ओके, हाँ, कोई है जिसको समझ नहीं आया हो? ये समराइज ही किया उसको, ठीक है। ये देखो आपका नंबर ऑफ अल्टीमेट रिलेटिव्स में मोनिज्म, देन ड्यूअलिज्म, यू विल गेट ऑल दिस स्लाइड्स। ओके, आज ही मैं भेज दूंगा ग्रुप में। ओके, यू विल गेट ऑल दिस स्लाइड्स इन योर ग्रुप। इसमें सब लिखा है जो आपको पेपर में पढ़ना है, जो क्वेश्चन करना है, वो सब इनमें लिखा हो। प्लूरल्स, ओके, आई ऑलरेडी बेसिकली वी हैव कवर्ड दिस इन डिटेल। देन टाइप्स, नेचर, नेचर में मेटेरियलिज्म, फॉर एग्जाम्पल चरवाक, स्पिरिचुअलिज्म, शंकर स्पिनोजा लाइबनीज, एंड बोध, सांख्या, मधवा, डेकार्ट। ओके, सो होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ बोध में देखिए आपको और ज्यादा से इलेबोरेट किया गया है, सांख्या को दिखाया गया है बोध में कैसे है सांख्या। तो सांख्या ने किस किस को माना है? प्रकृति, पुरुष, देन योर मधवा इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, एंड डेकार्ट इज माइंड एंड बॉडी। ठीक है, जो समझाया वो यहाँ पे आपके चार्ट में आपको बना के दे दिए। अभी तक जितना समझाया वो आपके ये 2 पेज में समराइज है। ठीक है, ये 2 पेज से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, नाउ लेट अस बेसिकली स्टार्ट विथ अवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज इपिस्टेमोलॉजी और थियरी ऑफ नॉलेज। ओके, मेटाफिजिक्स इज कंप्लीट। मेटाफिजिक्स वी हैव सीन द डेफिनेशन। ओके, वी हैव कवर्ड बेसिकली नेचर, नंबर, ओके, मोनिज्म, डुअलिज्म, प्लुरलिज्म, एंड द फिलोसफर्स हु हैव सपोर्टेड मोनिज्म, डुअलिज्म और प्लुरलिज्म। इज इट क्लियर? ओके, we will discuss all these things basically, how to write answer answers in ethics, how to write answers in basically other topics, that is geography, history, how to write essay, but for that you need to have some content. Without content you cannot write the essay or ethics questions. abhi to hamara main objective kya hai, philosophy khatam karna, kyunki optional aapka major king maker to optional hi hai, dekho optional ke bina selection nahi ho sakta. okay, so let us start with epistemology. देखो इपिस्टेमोलॉजी में, अभी मैंने आपको चॉकलेट का एग्जांपल दिया, मैंने आपको सिगरेट का एग्जांपल दिया। डोंट राइट सच एग्जांपल्स इन योर पेपर, दे आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप ज्यादा होशियार बन के कहीं ये सिगरेट और चॉकलेट का एग्जांपल पेपर में मत लिख के आ जाओ। तो जितने एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं समझाने के लिए, जो लिखने के हैं वो आपकी स्लाइड्स में लिख दिए गए। ओके, इज इट क्लियर? सो थियरी ऑफ नॉलेज मीन्स हाउ वी फाइंड नॉलेज, व्हाट इज द बेसिस ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से राइट नाउ यू आर फाइंडिंग नॉलेज ऑफ फिलोसफी, व्हाट इज द सोर्स? आई एम द सोर्स। सपोज
यू आर फाइंडिंग नॉलेज ऑफ समथिंग ऑन योर यू आर फाइंडिंग नॉलेज ऑफ समथिंग ऑन योर मोबाइल स्क्रीन. व्हाट इज द सोर्स? योर मोबाइल. सपोज यू आर फाइंडिंग नॉलेज ऑफ सम टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री. नाउ दैट सोर्स कैन बी यूट्यूब, दैट सोर्स कैन बी योर फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, दैट कैन बी योर स्पेक्ट्रम, दैट कैन बी योर एनसीईआरटी. सपोज वन पर्सन ओनली बेसिकली वॉच यूट्यूब वीडियोज फॉर हिस्ट्री, वन पर्सन हैज रेड बेसिकली फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन फॉर हिस्ट्री, वन पर्सन हैज वेंट थ्रू योर स्पेक्ट्रम एंड वन पर्सन हैज कवर्ड ऑल द एनसीईआरटी. Does all of them have similar knowledge? No, because source are different. For example, this is a very holistic book. Language is tough, but it is very, very great book for history. From Plassey to Partition by Shekhar Bandyopadhyay. So if you read this, then you have an analytical understanding. But if you read this, this or this, you will have the knowledge, but that knowledge will not be analytically much. Okay, is it clear? For example, you want to basically read CSAT, and for CSAT you want to basically cover your mathematics part, that is aptitude, okay, quant, then your reasoning, then your English. आप क्वांट के लिए मान लो आप कोई मैथ की बुक लेके आते हो, ठीक है, कोई भी मान लो आप कोई भी बुक ले लो, ठीक है, आर एस शर्मा ही ले लो. क्या आर एस शर्मा को पढ़ के आप कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट निकाल लोगे? नॉट पॉसिबल. इट मींस इपिस्टेमोलॉजी इज कंसिडर्ड विथ थियरी ऑफ नॉलेज. नाउ फ्रॉम वेयर वी गेट द नॉलेज? ओके, नॉलेज का आपका बेसिस क्या है? जैसे अभी आप एसआर कॉलेज में पढ़ने आए, ठीक है, अब एसआर कॉलेज में हम आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, एक बाजीराम ले लेते हैं, ओके, एक आपका मान लेते हैं, हम ले लेते हैं एक श्री राम ले लेते हैं, ओके, एक आपका नेक्स्ट आईएएस ले लेते हैं दिल्ली का, ठीक है, और जम्मू का ही बाकी तो मुझे याद नहीं है, ठीक है. अब देखो एसआर कॉलेज में अभी हम आपको फिलोसफी पढ़ा रहे हैं, बट वाजीराम में तो फिलोसफी ऑप्शनल है ही नहीं, ओके, श्रीराम में भी फिलोसफी ऑप्शनल नहीं है. हाँ, नेक्स्ट आईएएस में धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं, अब अगर आप यहां से पढ़ रहे हो तो यहां से आपको फिलोसफी की नॉलेज मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्योंकि आप वहां से पढ़ रहे हो जीएस वगैरह जो भी है, लेकिन आप एसआर में भी मुझसे फिलोसफी पढ़ रहे हो तो आपको फिलोसफी की नॉलेज मिल रही है. सिमिलरली आप अगर धर्मेंद्र सर से पढ़ रहे हो तो आपको फिलोसफी की नॉलेज मिल रही है, लेकिन हम दोनों से भी आपको जो फिलोसफी की नॉलेज मिलेगी दैट इज वेरी डिफरेंट. व्हाई दैट इज वेरी डिफरेंट? क्योंकि धर्मेंद्र सर आपको ये इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ बेसिक्स पहले से क्लियर है, ठीक है, यानी कि आपका सोर्स क्या नॉलेज का. इसलिए ही बोला जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो आप, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिकली आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स. अब आप उसके बजाय अगर ये गाइड जो आती हैं, ये छोटे गुटके जिन्हें बोलते हैं, वो पढ़ो, कोई गारंटी नहीं उनमें जो लिखा है हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सही है क्या. जब भी कुछ भी आपके डाउट होगा तो जो रेफरेंस है दैट इज योर एनसीईआरटी. ऐसे पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत है. अब कमाल की बात यह है, आपने YouTube पे एक वीडियो देखा किसी भी टॉपिक से, उस YouTube के वीडियो की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है उस पर, वो कुछ भी वीडियो बना सकते हैं. हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि वो गलत ही होगा, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है. सो यू हैव टू चेक फॉर ऑथेंटिसिटी. और ऑथेंटिसिटी के लिए क्या यूज करोगे आप? रेफरेंस बुक. सो जो इपिस्टेमोलॉजी है, इपिस्टेमोलॉजी इज कंसिडर्ड विथ ऑल दोस थिंग्स. इट मीन्स अगर चार्वाक ने कोई फिलोसफी दी, चार्वाक की कोई फिलोसफी है,
या बुद्धिज्म की है, या जैनिज्म की है, या सांख्या है, योगा है, न्याय वैशेषिका है, भाई जब आप थियरी दे रहे हो, कल को मैं यूपीएससी का पेपर या आपका केएस का पेपर है, ठीक है, अभी आप उसमें जब फिलोसफी लिख के आओगे तो फिलोसफी कौन सी लिख के आओगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं? अगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही ऑथेंटिक या वैलिड नहीं है तो विल यू गेट सेलेक्टेड? नो। तो इन्होंने भी कुछ तो सोर्स माना होगा जहां से इन्होंने पढ़ के या जिस चीज को मान के अपनी थियरी दी हो, तो इनका वो नॉलेज का सोर्स क्या है वही हमें पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए फिलोसफी का सोर्स अभी मैं हूं, मान लो आप पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी के लिए आपका लक्ष्मीकांत सोर्स है, या आप 10 जगह से पढ़ सकते हो तो 10 सोर्स हो गए आपके, या आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री के लिए आपका एनसीईआरटी हो गई, या 10 सोर्स जो भी मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी के लिए भी 10 सोर्स हो सकते। इट मीन्स ये आपका नॉलेज का सोर्स है। तो ऐसे ही सब फिलोसफर्स के लिए भी नॉलेज का कुछ ना कुछ सोर्स रहा होगा। समझ गए आप बात को? तो वही हमें देखना है कि नॉलेज का सोर्स क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप में से कोई स्मोक करता है, ठीक है, और एक है जो नॉन स्मोकर है। अब जो स्मोक करता है उससे आप पूछो भाई स्मोक करना कैसा लगता है, तो वो बोलेगा या तो बताएगा भाई अच्छा लगता है, ठीक है, तभी हम स्मोक करते हैं। अब जो नॉन स्मोकर है उससे आप पूछो कि स्मोक करना कैसा लगता है, वेदर ही और शी विल बी इन ए पोजिशन टू टेल यू नो, बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी। तो बेसिकली आपका सोर्स ऑफ नॉलेज डिपेंड करता है, उस पर आपकी सारी नॉलेज डिपेंड करती है कि आपका नॉलेज का सोर्स क्या है। ओके, अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी तो क्या आप पॉलिटी के क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे? नो। और अगर आप पॉलिटी आपने कहीं गलत जगह से पढ़ ली, नॉन ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ ली, तो आप जवाब तो दे पाओगे बट लेकिन वो आपके क्वेश्चंस के आंसर कैसे होंगे, वो भी आपके इनऑथेंटिक होंगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स। ऑथेंटिसिटी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ नॉलेज इज मस्ट फॉर गेटिंग मार्क्स। दैट्स व्हाई वी से दैट इन एसे राइटिंग ऑलवेज यूज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, ओके, प्रीएम्बल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोट्स ऑफ फेमस पर्सन। ये नहीं वहां पे लिख के आ गए गौतम मीणा ने ऐसे बोला था, नहीं, मेरे को कौन जानता है, फेमस पर्सन मीन्स गांधी जी, B.R. अंबेडकर, विवेकानंद, ओके, या फिर आइंस्टाइन ने कुछ बोला हो, या कॉफी अन्नान ने बहुत कुछ बोला है। इट मीन्स यू हैव टू ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी एवरीवेयर। इफ यू आर इन ए पोजिशन टू ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। ओके, तो चलो ये तो फालतू की बात है, अब हम एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते हैं। ओके, क्लियर हो गया आपको एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? ओके, जब जानेंगे तब देख लेंगे रोहित, ठीक है, अभी तो हम ही खुद को जान ले बोलते। ओके, तो चलो ठीक है, देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी देखते हैं। ओके, नाउ वन थिंग, हमारी यहाँ पे कौन कौन से फिलोसफर्स के हमें एपिस्टेमोलॉजी पढ़नी है वो भी क्लियर होनी चाहिए। चार्वाक पढ़ना है हमें, चार्वाक की एपिस्टेमोलॉजी से क्वेश्चन आता ही है 101%। ओके, सेकंड हमें पढ़ना है जैनिज्म, यहां से भी क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, फिर आपका आ जाओ मीमांसा, और एक न्याय। ओके, अब आप देखो तो हमारे सिलेबस में कौन है, चार्वाक है, बुद्धि जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सांख्या है, योगा है, मीमांसा है, वेदांता है, ओके, और एक न्याय वैशेषिक है, और श्री अरविंदो है, ठीक है, वो तो नियो वेदांती के तो इनका कोई कंसेप्ट अलग ही है।
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10, 10 में से सिर्फ कितने फिलोसफर्स की एपिस्टेमोलॉजी पढ़नी है? सिर्फ चार फिलोसफर्स की हमें एपिस्टेमोलॉजी पढ़नी है, यानी हमें उन्हीं फिलोसफर्स की एपिस्टेमोलॉजी पढ़नी जिनकी एपिस्टेमोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में, बाकियों का फिर हमारे सिलेबस में क्या होगा? मेटाफिजिक्स। आपको बुद्धिज्म का सिर्फ मेटाफिजिक्स पढ़ना है, सांख्या का सिर्फ मेटाफिजिक्स पढ़ना है, योगा का सिर्फ मेटाफिजिक्स पढ़ना है, वेदांता का सिर्फ मेटाफिजिक्स पढ़ना है, वैशेषिका का सिर्फ मेटाफिजिक्स पढ़ना है। चार लोगों की आपको एपिस्टेमोलॉजी पढ़नी है सिर्फ। ओके, तो चार लोगों की एपिस्टेमोलॉजी है तो वो तो इंपॉर्टेंट हो गई ना अपने हिसाब से, तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। इज इट क्लियर? अब इसमें कमाल की बात और देखो, कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह कि चार्वाक की दोनों पढ़नी है, ओके, जैनिज्म की भी दोनों पढ़नी है, न्याय का भी दोनों पढ़ना है, सिर्फ मीमांसा एक अकेला है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एपिस्टेमोलॉजी हमें पढ़नी है। तो ये अपने आप में सबसे एक्सक्लूसिव हो गया, और जब एक्सक्लूसिव हो गया तो आपका यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मीमांसा में हमारे सिलेबस में ही सिर्फ उसकी थियोरी ऑफ नॉलेज। तो जब आप सिलेबस पढ़ोगे ना, आप इग्नू से पढ़ो, आप किसी बुक से पढ़ो, तो वहां पे इस तरह से लिखा होता है, चार्वाक के आगे लिखा होगा थियोरी ऑफ रियलिटी या मेटाफिजिक्स, या आपके ऐसे ही इपिस्टेमोलॉजी लिखा होगा, और या फिर थियोरी ऑफ नॉलेज, इस तरह से लिखा रहता है। अब आपको पता चल गया कि इपिस्टेमोलॉजी में क्या पढ़ना होता है, थियरी ऑफ नॉलेज में क्या पढ़ना होता है, और आपका, अब हम इपिस्टेमोलॉजी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ओके, देखते हैं इपिस्टेमोलॉजी। तो इपिस्टेमोलॉजी में जैसे आपको फिलोसफी की डेफिनेशन याद रखनी है, तो फिलोसफी की डेफिनेशन में आपको क्या याद रखना था? एल आर आई सी सी ई, लॉजिकल रैशनल इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल इवेल्युएटिव। ये मैं आपको याद करा चुका हूँ डेफिनेशन पहले ही, ठीक है, मैंने आपको बोला था। अब मेटाफिजिक्स में भी आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। एस एन एल वी आर, क्यों? क्योंकि मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, जैसे आपकी मेटाफिजिक्स थी ना, इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच इज कंसर्न विथ नंबर एंड नेचर। मेटाफिजिक्स में क्या देखते थे? नंबर एंड नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। लेकिन यहाँ रियलिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ किसकी बात हो रही है? नॉलेज की। तो पहली चीज है सोर्स ऑफ नॉलेज, सेकेंड थिंग इज नेचर ऑफ नॉलेज, थर्ड इज लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज, फोर्थ इज वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, एंड फिफ्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ दीज टू, दीज आउट ऑफ दीज फाइव, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ इज रिलेशन, आर मीन्स रिलेशन बिटवीन नोअर एंड नोएबल। ये दो वर्ड याद कर लो अच्छे से, नोअर एंड नोएबल क्या होता है अभी देखेंगे। सो इपिस्टेमोलॉजी इज नथिंग, इपिस्टेमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस, एंड फिफ्थ। एंड राइट नाउ वी आर कंसर्न ओनली विथ फर्स्ट एंड फिफ्थ, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी विल सी इन मीमांसा। इनमें कुछ नहीं है, ये तो बोल बच्चे ने, बट फर्स्ट एंड फिफ्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट अस सी फर्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इन डिटेल। ओके, तो आप देखो सामने आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जस्ट गो थ्रू इट। आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, विच डील्स विथ और विच टेक्स इट टू अकाउंट द फॉलोइंग थिंग्स। ओके, सोर्स, नेचर, लिमिटेशंस, वैलिडिटी एंड रिलेशन बिटवीन नोअर एंड नोएबल। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। अब नाउ लेट अस डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके,
यही सब चलेगा आपके पेपर में। नॉलेज, सबसे पहले नॉलेज की बात। नॉलेज दो तरह की हो सकती है आपकी। अभी सिर्फ आपका क्या है, घर की है ना, नींव बन रही है अभी। अभी आपके ना इमारत तो अभी खड़ी होनी नहीं शुरू हुई, अभी आपका सिर्फ बेसिक्स क्लियर किए जा रहे हैं। जैसे मैथमेटिक्स में नहीं होता है आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब सिखाते हैं, वही चलता है। तो अभी तो आपकी रियल फिलोसफी तो अभी शुरू हुई नहीं है। रियल फिलोसफी तब शुरू होगी जब चार वाक से पढ़ेंगे। लेकिन जब आप चार वाक पढ़ोगे आपको लगेगा मैंने सब पढ़ लिया, क्योंकि ये सब हम पहले ही कवर करते हैं। नॉलेज कैन बी आइदर वैलिड और इनवैलिड, दो ही पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल 2+2=4 इज वैलिड नॉलेज, 2+2=5 इज इनवैलिड। लेकिन हम इंडियन फिलोसफी में जो एग्जांपल यूज करते हैं वैलिड नॉलेज का, वो करते हैं नॉलेज ऑफ रोप एज रोप। अगर आपको रोप की जगह रोप दिखाई दे रहा है तो वो आपकी वैलिड नॉलेज है। लेकिन अगर आप रोप को स्नेक देख रहे हो दैट इज इनवैलिड नॉलेज। इज इट क्लियर? सो वन इज वैलिड नॉलेज, सेकेंड इज इनवैलिड नॉलेज। ये जो वैलिड नॉलेज होती है इसको बोलते हैं, मतलब वैलिड नॉलेज को बोलते हैं प्रमा। ये टेक्निकल वर्ड है प्रमा। प्रमा मींस वैलिड नॉलेज। और अगर वैलिड नॉलेज को प्रमा बोलते हैं तो इनवैलिड नॉलेज को क्या बोलेंगे? अप्रमा। इज इट क्लियर? ओके, प्रमा इज वैलिड नॉलेज, अप्रमा इज इनवैलिड नॉलेज। अब आप मुझे बताओ ये दोनों की नॉलेज आपको कैसे मिल रही है? थ्रू योर आईज, आंख से देख के तो पता चल रहा है। आपने अंधेरे में रोप को देख लिया, स्नेक समझ लिया, देखा तो आंख से ही। उजाले में देखा रोप को, रोप समझ लिया, देखा तो उजाले में। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है उजाले में भी तो हमसे गलतियां हो जाती है। किसी को देख के किसी का फेस कोई और आ रहा होता है, हम उसको कुछ और समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलो उन पर आगे बात बात करेंगे। लेकिन ऐसा ही होता है, या तो वो रोप रोप होगी या फिर रोप को स्नेक समझ सकते हैं या स्नेक की जगह कुछ और समझ सकते हैं। ठीक है, आपने आईज से देखा। ठीक है, अभी अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ाते वक्त भी है ना, आप अभी देख रहे हो तो अपनी आईज से देख रहे हो और कान से सुनते हो। अब आपका माइंड बॉडी गैप आ गया बीच में मान लो, और आप कहीं चले गए घूमने। ठीक है, कहीं पे भी चले गए, वेव मॉल चले गए, पटनी टॉप चले गए, या किसी के ख्यालों में चले गए, स्वीट ड्रीम्स। होगा क्या? मैं बोल रहा हूँ रोप आपको सुनाई देगा। होप, हो सकता है क्लास के बाद पूछो कि सर होप को स्नेक कैसे, होप की जगह स्नेक कैसे दिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अप्रमा। तो अप्रमा आपकी कब होती है? जब आपका ध्यान नहीं होता है या आपके सेंस ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, माइंड बॉडी गैप आ जाता है। ठीक, तो ये सब चीजें। ठीक है, तो आईज से आप देख रहे हो। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस समय आपकी सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज, योर सोर्स ऑफ नॉलेज इज योर आईज, जब हमने रोप की बात करी। और आईज कैसी कैटेगरी में आता है? परसेप्शन। समझे आप बात? मतलब आप रोप को रोप देखो या रोप को स्नेक देखो, देख रहे दोनों आईज से हो। आईज आपका सोर्स ऑफ नॉलेज है, उसकी वजह से आप रोप को देख पा रहे हो। मान लो आपके आईज ही नहीं होती, क्या आप देख पाते? नो। इट मींस आपको जो प्रमा मिलती है या अप्रमा मिलती है, जैसे अभी आप सुनने से कुछ सुनते हो, कुछ आप देखते हो, कुछ आप टेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपको कोई भी नॉलेज मिलती है, भले से आप लक्ष्मीकांत पढ़ के चीज को अच्छे से इंटरप्रेट करोगे तो प्रमा है, गलत इंटरप्रेट कर लोगे तो अप्रमा है। आपको नॉलेज जो भी मिल रही है उस नॉलेज के लिए कोई सोर्स चाहिए, उस सोर्स ऑफ नॉलेज को बोलते हैं प्रमाण, PRAMAN। समझो? ठीक है, ये आप बना लिया तो बना लो। ठीक है, अब देखो कैसे। जैसे आपने अभी फिलोसफी आप पढ़ रहे हो मुझसे, यू आर गेटिंग द नॉलेज,
नॉलेज मिल रही है आपको प्रमा, लेकिन उसका सोर्स क्या है? मैं हूं। तो मैं क्या हूं आपके लिए? प्रमाणा, सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। लेकिन ये तो खैर मैंने उसमें समझाया लेमन उसमें, ठीक है, ये एक तरह से मतलब ये समझ लो कि आप एग्जांपल समझाया, लेकिन ये करेक्ट एग्जांपल नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि आपका सोर्स मैं हूं, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको नॉलेज मिल रही है ना वो किससे मिल रही है? परसेप्शन से। आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, मैं जो लिख रहा हूं वो, तो आपकी नॉलेज का सोर्स क्या है? परसेप्शन। अगर आपकी आईज और ईयर ही काम नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी पढ़ा लूं, यू विल नॉट गेट द नॉलेज। इट मींस देयर मस्ट बी सम सोर्स ऑफ नॉलेज। सो सोर्स ऑफ नॉलेज, दैट इज योर सोर्स ऑफ नॉलेज कैन बी एनीथिंग। योर सोर्स ऑफ नॉलेज, फर्स्ट पॉइंट हमारे क्या था एपिस्टेमोलॉजी में, सोर्स ऑफ नॉलेज दैट इज नोन एज प्रमाणा, एंड द नॉलेज दैट यू फाइंड दैट इज नोन एज प्रमा। इज इट क्लियर? प्रमा, प्रमाणा, और अगर आपको गलत नॉलेज मिल रही है दैट इज अप्रमा। नॉलेज ऑफ रोप एज, दीज थ्री टेक्निकल टर्म्स आर क्लियर? प्रमाणा, प्रमा एंड अप्रमा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सोर्स ऑफ नॉलेज इन इंडियन फिलोसफी। सिंपल सा लॉजिक है, मैंने बोला ना आपको पॉलिटी पढ़नी है तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़नी है तो किसी और बुक से पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़नी है तो वो आपके सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है, लेकिन वो आपको कैसे करना है, ये सब आपके लिए सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। ऐसे इंडियन फिलोसफी में इतने सारे आपके फिलोसफर्स हैं, उन्होंने अपनी थियरी दी है तो कहीं से तो उन्होंने उठाया होगा कोई चीज, कुछ तो उनका सोर्स रहा होगा। सो इन इंडियन फिलोसफी देर आर सिक्स सोर्सेस। फर्स्ट वन इज परसेप्शन। सेकेंड इज इन्फेरेंस। थर्ड इज वर्बल टेस्टिमोनी। फोर्थ इज कंपैरिजन। फिफ्थ इज इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन और पोस्टुलेशन एंड सिक्स इज योर नॉन एप्रिहेंशन। ठीक है, सिंपल सा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी जैसे मैंने फिलोसफी पढ़ी है, जैसे मान लो मैं फिलोसफी पढ़ के बैठा हूं, तो मेरे लिए भी कुछ सोर्स ऑफ, ऐसा तो है नहीं कि मैं हवा में कुछ भी पढ़ के आपको पढ़ा दूंगा, नहीं, मैंने भी कहीं से पढ़ा होगा, तो मेरा सोर्स क्या हो सकता है? मेरा सोर्स जैसे आपका पतंजलि के नोट्स हो गए, ठीक है, जैसे आपके इग्नू के नोट्स हो गए, ठीक है, फिर मान लो मित्रा के नोट्स हो गए, ठीक है, फिर फोर्थ पे बुक्स हो गई, फिर फिफ्थ पे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल से वो हो गए, ऐसे करके मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा जो ऑथेंटिक है। तो मेरा भी कुछ ना, ये कोई ये नहीं है कि मैंने ये सब पढ़ा है, नहीं, ठीक है, अभी जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये सब है। अब मान लो मैंने पॉलिटी पढ़ी, तो पॉलिटी हो सकता है मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ी हो, या हो सकता है मैंने प्रवीण सर से पढ़ी हो, या हो सकता है मैंने शुभ्रा रंजन से पढ़ी हो, यानी मेरा कोई ना कोई तो सोर्स रहा होगा, जिस सोर्स से मैंने पढ़ा उसी हिसाब से मेरी नॉलेज होगी। अब जैसे मान लो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं दी हिंदू भी पढ़ता हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता हूँ, अगर आप सिर्फ दी हिंदू पढ़ते हैं तो आपको उतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी मुझे, यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज के हिसाब से आपकी नॉलेज बनती है, कितने सोर्स है। बट ये तो हम फिलोसफर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ नॉलेज ज्यादा नहीं रखने हमें, क्यों नहीं रखने, क्योंकि हमें लिमिटेड सोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने और उनका मैक्सिमम रिवीजन करना है, क्योंकि हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ पेपर पास करना है, ठीक है। ज्यादा नॉलेज क्या है, डेंजरस है,
नॉलेज उतनी ही रखनी है जो हमें पेपर में काम आए। ज्यादा नॉलेज में क्या हो जाएगा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, तो उसका आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके पेपर में काम आएगा। अब आप पतंजलि भी पढ़ो, मित्रा भी पढ़ो, इग्नू भी पढ़ो, मुझे भी पढ़ो, बुक्स भी पढ़ो, सारी जवानी तो उसी में चली जाएगी। ओके, सो देर आर सिक्स सोर्सेज। ओके, सिक्स सोर्सेज मैंने आपको अभी लिख के बताए, परसेप्शन से लेके आपके। अब देखो, पहला हम डिस्कस करते हैं परसेप्शन, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाकी तो फिलोसफर्स जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस। ये इंडियन फिलोसफी में छह सोर्स माने गए हैं, ठीक है? इंडियन फिलोसफी, मैंने नहीं माना है, इंडियन फिलोसफी ने छह सोर्स माने जिनके हिसाब से आपके फिलोसफर्स की थियरी चलेगी। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कि मान लो मैंने सिर्फ पॉलिटी पढ़ी तो मेरी नॉलेज उसी हिसाब से होगी, सिर्फ मुझे पॉलिटी आती होगी, मुझे हिस्ट्री भी पढ़ी किसी बुक से तो मेरे को हिस्ट्री भी आती होगी। ऐसे किसी ने अगर परसेप्शन कोई सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माना है तो उसकी नॉलेज वैसी होगी। अब क्या होगा, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को परसीव करना। अब परसीव आप कैसे कर सकते हो, आईज से कर सकते हो, ईयर से कर सकते हो, नोज से कर सकते हो, टंग से कर सकते हो और स्किन से कर सकते हो, ठीक है? आईज से जो करोगे विजुअल परसेप्शन, ईयर से जो करोगे ऑडिटरी परसेप्शन, नोज से करोगे ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, टंग से करोगे गस्टेटरी परसेप्शन और स्किन से करोगे तो टेक्चुअल परसेप्शन। ये जो है ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो आपकी स्लाइड्स में लिखा हुआ, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि परसेप्शन मीन्स परसेप्शन बाय सेंस ऑर्गन्स। एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी आईज है, कोई भी चीज आप देखते हो ब्यूटीफुल, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, ब्यूटीफुल फ्लावर हो सकता है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग हो सकती है, ब्यूटीफुल गर्ल हो सकती है, देखते ही आपकी आईज ब्यूटीफुल और अगली में डिफ्रेंशिएट कर लेती है, ठीक है? ऐसे ही आपकी नोज है, बैड स्मेल और गुड स्मेल में, यानी कि ये जो आपकी सेंस ऑर्गन्स हैं अगर ये सही से काम कर रहे हैं तो आपको ये सही नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है? अब मान लो मैं ये मानूं कि मैं तो सिर्फ वही चीज मानूंगा जो मैं इन सेंस ऑर्गन से देख सकता हूं या टच कर सकता हूं, जैसे स्किन हो गया, टंग हो गया और आपका लास्ट क्या बच गया, आईज नोज ईयर। अब आप मुझे बोलो कि गॉड एग्जिस्ट, और मैंने सिर्फ सोर्स ऑफ नॉलेज किसको माना है, सिर्फ परसेप्शन को, विल आई एक्सेप्ट दिस नॉलेज? नो, ना तो गॉड को मैं देख सकता हूँ, ना सुन सकता हूँ, ना स्मेल कर सकता हूँ, ना टेस्ट कर सकता हूँ, ना ईयर से मुझे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ पॉलिटी पढ़ी है और आप मुझसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछो, विल आई बी एबल टू आंसर? नो, बिकॉज माई सोर्स ऑफ नॉलेज इज दिस ओनली, आई डोंट हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग हिस्ट्री। सिमिलरली इफ आई एम एक्सेप्टिंग परसेप्शन ओनली सोर्स, देन हाउ कैन आई से एनीथिंग रिगार्डिंग दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी परसीव्ड? समझ गए आप बात? बेसिकली परसेप्शन अगर मैंने माना है तो मैं सिर्फ उन्हीं चीजों को मानूंगा जिनको मैं परसीव कर सकता हूं, और परसीव किन से कर सकता हूं, फाइव सेंस ऑर्गन्स। सो इन इंडियन फिलोसफी बेसिकली देर आर सिक्स सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। अब कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह है कि हर फिलोसफर ने अलग अलग सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज माने। मैंने आपको बोला ना, आपकी भी नॉलेज किस हिसाब से, कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाते, कुछ नहीं होते, वही तो कारण है। सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज या तो आपने ज्यादा ले लिए होंगे, गलत पढ़ लिया होगा, गलत लिख दिया होगा, परसेप्शन से लेके इन्फेरेंस, वर्बल टेस्टिमोनी, कंपेरिजन, इम्प्लीकेशन और पोस्टुलेशन, ये सब एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे, ठीक है? ये सब आएंगे। एंड लास्ट इज नॉन एप्रिहेंशन। अभी ये सबको करने बैठूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक से ही मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। होता क्या है, ये सोर्स ऐसे माने गए हैं, किसी ने या तो ये एक माना है, अगर दो माने हैं तो फर्स्ट टू, ऐसा नहीं होगा लास्ट टू, ये ऑर्डर है। अगर किसी ने तीन माने तो फर्स्ट थ्री, अगर किसी ने चार माने तो फर्स्ट फोर, अगर किसी ने पांच माने तो फर्स्ट फाइव, और किसी ने छह माने तो। अब इसमें जो चार्वाक फिलोसफर है आपका,
चार्वाक फिलोसोफर के हिसाब से परसेप्शन इज दी ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। अब देखो चार्वाक के हिसाब से परसेप्शन इज दी ओनली सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, इसने बाकी कुछ नहीं माना है इसको, ये पांच में से किसी को नहीं माना इसने परसेप्शन को माना। अब मैं क्या बोल सकता हूं, परसेप्शन इसके लिए क्या हो गया, प्रमाणा, परसेप्शन इज दी प्रमाणा, एंड वैलिड नॉलेज को हम क्या बोलेंगे, प्रमा। सो फॉर चार्वाक परसेप्शन इज द प्रमाणा ऑफ, प्रमाणा फॉर प्रमा, ठीक है। सो इसके लिए परसेप्शन हो गया प्रमाणा और वैलिड नॉलेज क्या हो गया, प्रमा। अब देख यहां पे हम सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज की बात कर रहे हैं, ये इट मींस वी आर इन एपिस्टेमोलॉजी। चार्वाक के लिए एपिस्टेमोलॉजी में पहला पॉइंट क्या हो गया, सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज क्या हो गया, प्रमाणा, ये परसेप्शन। आप परसेप्शन के बेसिस पे आप आ जाओ मेटाफिजिक्स में। मेटाफिजिक्स में हम किन की बात करते हैं, गॉड, सोल, रीबर्थ, हेवन, हेल, लिबरेशन, समझो आप बात को। मतलब इसने पहले एपिस्टेमोलॉजी से इसकी शुरू हुई कहानी, इसने बोला एपिस्टेमोलॉजी के हिसाब से परसेप्शन इज द सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। अब मेटाफिजिक्स जब हम चरवाका की पढ़ेंगे तो उसकी मेटाफिजिक्स में, उसका मेटाफिजिक्स में इन चीजों के बारे में वो कुछ भी बोलेगा तो किस बेसिस पे बोलेगा, अपनी नॉलेज के बेसिस पे। अब उसके लिए तो परसेप्शन सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है, क्या परसेप्शन के बेसिस पे गॉड को देखा जा सकता है, नहीं। सोल को प्रूव किया जा सकता है, नहीं। रीबर्थ को नहीं, हेवन को नहीं, हेल को नहीं, लिबरेशन को नहीं। इसलिए चरवाका ने इन सबको क्या कर दिया है, रिफ्यूट कर दिया। इज इट क्लियर, मीन्स हाउ इपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स आर इंटर रिलेटेड। मतलब आपने किस सोर्स को वैलिड नॉलेज माना उसके बेसिस पे आगे आपकी सारी थियरी डिसाइड होगी। इज इट क्लियर? तो थोड़ा सा हम स्लाइड्स देख लेते हैं, देखते हैं वहां पे क्या कुछ नया है। रीड दिस स्लाइड, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, वी हैव हाफ एन आवर लेफ्ट, आज ये कवर हो जाएगी बेसिक, आगे दो तीन चीजें और समझानी। सो वैलिड नॉलेज इज नोन एज प्रमा। ओके, फर्स्ट पॉइंट, अभी पहला पॉइंट ही समझा, अभी फिफ्थ भी समझा रहा है। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज ऑफ रोप एज रोप इज प्रमा, वेयर एज नॉलेज ऑफ रोप एज स्नेक इज एम्ब्र। सोर्स ऑफ प्रमा मींस वैलिड नॉलेज इज नोन एज प्रमाना। ओके, सो प्रमा इज वैलिड नॉलेज एंड प्रमाना इज सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। इज इट क्लियर? दिस इज वैलिड नॉलेज, दिस इज योर सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज। ओके, अब नोवर और नोएबल का थोड़ा सा हम देख लेते। पहले ये देखो आप, ये इंडियन फिलोसफी में देर आर सिक्स प्रमाणा, ओके, जो मैंने अभी आपके लिए मेंशन किए थे। फर्स्ट इज परसेप्शन, ये भी वर्ड आपको याद रखने हैं, परसेप्शन को प्रत्यक्ष बोलते हैं। सेकंड इज इन्फेरेंस, इन्फेरेंस को बोलते हैं अनुमान। आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, इन्फेरेंस वगैरह, ठीक है, आगे आएगा, आगे करेंगे। वर्बल टेस्टिमोनी शब्द प्रमाणा, ये भी वर्ड्स आपको याद करने हैं, ठीक है, ये कुछ तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। वो होता है ना, बिना कष्ट किए कृष्ण नहीं मिलते, वही वाला हिसाब है। उपमाना, इम्प्लीकेशन और पोस्टुलेशन इज अर्थापत्ति, एंड योर नॉन एप्रिहेंशन इज अनुपलब्धि। ये तो याद हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुमाना भी याद हो जाएगा, शब्द प्रमाणा भी याद हो जाएगा, उपमाना भी याद हो जाएगा, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद कर लो अर्थापत्ति एंड अनुपलब्धि। बेसिकली होगा क्या, होता यह है, आपका जो पेपर आएगा ना केएस का मेंस, उसमें वो ये लिख के देंगे 99% केसेस में नॉन एप्रिहेंशन, अगर उनको कुछ पूछना होगा, या फिर ये लिख के देंगे इम्प्लीकेशन और पोस्टुलेशन। लेकिन होता क्या है, अभी आपका जब से पैटर्न चेंज हुआ ना, तो अब आपका क्यूटी बन गया है, अब आपका जो केएस का पेपर आता है ना मेंस का, वो बेसिकली कहीं से बाहर से सेट करवाते हैं। अब बाहर से जो फिलोसफर, बेसिकली फिलोसफी जो है ना, बेसिकली वो फिलोसफी की उत्पत्ति आपकी मेनली पाली से हुई है, पाली लिटरेचर, तो पाली में ये वर्ड यूज होते थे, ठीक है, संस्कृत और, मतलब संस्कृत जैसे ही वर्ड्स यूज होते हैं, संस्कृत और पाली दो दो से मेनली इसकी हुई है।
इसलिए आपको ऐसे शब्द मिलेंगे। अब फायदा क्या है इसके? दो फायदे हैं। एक तो अगर उसने इंप्लीकेशन और पोस्टुलेशन पूछा और अगर आप अर्थ पट्टी लिख के आ रहे हो, इट विल गिव वेरी गुड बेसिकली, ओके, बेसिकली इट विल फेच यू मोर मार्क्स, ओके। एक आपका मतलब अच्छी इमेज जाती है, इट विल गिव ए गुड इमेज टू द एग्जामिनर कि हाँ भाई इसने अच्छे से पढ़ा है। सेकेंड थिंग, आप घर पे याद करते वक्त ऐसे जैसे शाम को बैठ जाओ, ठीक है, और बैठ के ऐसे बोलते रहो अर्थापत्ति अनुपलब्धि, तो घर वालों को भी लगेगा कि भाई लड़का या लड़की बहुत ज्ञानी होंगे, ठीक है। ऐसे वर्ड बोलोगे अर्थापत्ति अनुपलब्धि प्रत्यक्ष अनुमाना शब्द प्रमाणा उपमाना, मतलब इसका कोई श्लोक सा बना के बोलते रहो दिन भर, ठीक है, तो घर वाले भी खुश तुम भी खुश, ठीक है। ओके ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट पॉइंट हमारा देख लिया। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा, पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट क्या था, सोर्स, सोर्स वी हैव सीन, तो सोर्स ऑफ नॉलेज वी हैव सीन परसेप्शन, इन्फेरेंस, वर्बल टेस्टिमोनी, ये सब आगे आएंगे, ठीक है, कंपैरिजन, इम्प्लीकेशन एंड लास्ट इज नॉन एप्रिहेंशन। मैंने आपको समझा भी दिया पहले से परसेप्शन लेके कि आपका सोर्स कैसे होता है, कैसे नॉलेज बनती है। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन नोवर एंड नॉलेबल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोवर पूरा लिखते हैं, नोवर एंड नॉलेबल, इसको समझिए, ठीक है, रिलेशन बिटवीन नोवर एंड नॉलेबल। देखो ये नोअर है और ये नोएबल है, नोअर का मतलब होता है वन हु फाइंड्स नॉलेज, वन हु फाइंड्स नॉलेज इज नोअर। फॉर एग्जांपल, अगर सामने आपके कोई मतलब जैसे अभी आप इस बोर्ड इसको लैपटॉप पे स्क्रीन को देख रहे हो, तो स्क्रीन आपके लिए नोएबल है। नोएबल मतलब जिसकी नॉलेज मिलती है, नोएबल मीन्स रिगार्डिंग हुम वी फाइंड नॉलेज, जिसकी आपको नॉलेज मिल रही है उसको नोएबल कहेंगे। और जिसको नॉलेज मिल रही है उसको नोअर कहेंगे। जैसे अभी आपको मेरी भी नॉलेज मिल रही है, ठीक है, मेरी स्क्रीन पे क्या चल रहा है उसकी भी नॉलेज मिल रही है, सबकी नॉलेज मिल रही है, तो आप खुद तो नोएबल हो, और जिस जिस चीज की आपको नॉलेज मिल रही है वो सब आपके लिए नोएबल है। इज इट क्लियर? तो नोअर और नोएबल का मतलब है रिगार्डिंग होम वी फाइंड नॉलेज, दैट इज योर, रिगार्डिंग होम वी फाइंड नॉलेज दैट इज योर नोएबल, एंड द वन हु फाइंड्स नॉलेज इज नोअर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देर आर सम पर्सन सिटिंग, वन टू थ्री, सपोज ये एक पर्सन है, इसके लिए ये दोनों नोएबल है, आमने सामने है ये। इस सेकंड वाले के लिए अगर इन दोनों की नॉलेज मिल रही है, दोनों इसके लिए नोएबल है। यानी अभी मैं हूं, मेरा आपको वीडियो दिख रहा है, आप लोगों का मुझे वीडियो नहीं दिख रहा, सिर्फ आपके नाम मुझे दिख रहे हैं, योर नेम्स आर डिस्प्लेड। तो मेरे लिए जो चीजें मुझे दिख रही है, आपके नेम्स मुझे दिख रहे हैं या मेरी स्क्रीन मुझे दिख रही है, वो सब मेरे लिए क्या है, नोएबल है। जिस चीज की आपको नॉलेज मिलती है वो आपके लिए नोएबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूं, तो मेरे लिए लक्ष्मीकांत नोएबल है, आई एम दी नोअर। हम बोलते हैं ना, गो गॉड नोज एवरीथिंग, इसलिए गॉड को बोलते हैं ओमनीसियंट, वन हु नोज एवरीथिंग। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी नॉलेज मिल रही है तो यू बिकम दी नोअर, और जिसकी आपको नॉलेज मिल रही है दैट बिकम्स नोएबल। और नोएबल को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, क्योंकि आपको उसी की तो नॉलेज मिल रही है, तो नोएबल इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप क्लास में पढ़ रहे होते हैं, अभी आप क्लास में पढ़ रहे होते, तो आपके लिए ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या होता, जो बोर्ड होता सामने उस पे सब मैं लिख रहा होता,
या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मैं होता, क्योंकि मैं आपको जो भी है वो मैं आपको डिक्टेट कर रहा होता, आप मुझे देख रहे होते या बोर्ड को देख रहे होते। अभी आपके लिए ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है जो आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है? यानी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? जिसकी आपको नॉलेज मिलती है। अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपको सुनाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है, साथ में मैं सुनाई दे रहा हूँ। तो अभी आपके लिए ऑब्जेक्ट नॉलेज क्या है? वो सब चीजें आपके लिए ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। एंड यू आर दी नोअर, वन हु फाइंड्स नॉलेज इज नोअर, एंड रिगार्डिंग होम वी फाइंड नॉलेज इज नोन एज नोएबल। इज इट क्लियर? नोअर एंड नोएबल, मतलब नोअर होता है ज्ञाता, ठीक है, जिसको नॉलेज मिलती है। ओके, नाउ द थिंग इज दैट बेस्ड ऑन दिस नोअर एंड नोएबल, ओके, नोअर और नोएबल के बेसिस पे दो थियरीज पिक्चर में आती हैं। दिस इज योर नोअर, नोअर फाइंड्स नॉलेज ऑफ नोएबल, यही तो कंसेप्ट है। नोवर फाइंड्स नॉलेज ऑफ नोएबल, नोएबल कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है। अगर हम में से दो लोग आमने सामने बैठे हैं तो मेरे, मैं नोवर हो गया तो मेरे लिए आप ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो गए, और आप नोवर हो गए तो आपके लिए मैं ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो गया। जैसे मान लो कैफे में बैठे हैं, तो कैफे में एक बंदा जो है वो सबको देख रहा है, उसके लिए सब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, वो खुद नोवर है, लेकिन दूसरे के रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो जाएगा, दूसरा नोवर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो नोवर एक होता है, उसके लिए बाकी सब क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। अब वो नोवर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब नोवर को नॉलेज मिलती है किसकी? नोएबल की। अब होता क्या है, इससे दो थियरीज निकल के आती है, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ नोवर एंड नोएबल। रिलेशन के बेसिस पे दो थ्योरीज निकल के आती है, रियलिज्म और आइडियलिज्म। अब रियलिज्म थ्योरी क्या कहती है? जैसे मान लो यहां पे आपका नोवर है, मान लो नोवर आप में से कोई भी एक है, मान लेते हैं रोहित नोवर है, यहां पे कोई नोएबल है, नोएबल है, मान लेते अभी क्लास में पढ़ा रहे होते, तो मान लो बोर्ड आपको बोर्ड पे लिख रहा होता मैं, तो बोर्ड नोएबल है आपके लिए, बोर्ड की नॉलेज मिल रही है। अब जो आपका रियलिज्म है, रियलिज्म क्या कहता है कि ये अलग एग्जिस्ट कर रहा है और ये अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है, डिफरेंट है और इंडिपेंडेंट। देखो हम में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि नोवर मैं हूं ना, तो मेरे लिए जो बाकी चीजें हैं वो मेरे बाहर ही एग्जिस्ट कर रही है ना, माइंड से दूर एग्जिस्ट कर रही है, बोर्ड अपना अलग एग्जिस्ट कर रहा है, मैं अलग एग्जिस्ट कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ अस आर रियलिस्ट, हम में से 99% लोग रियलिस्ट है। तो रियलिस्ट तो आपकी सिंपल थियरी कि नोवर एंड नोएबल हैव सेपरेट डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SDI। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बोलो कि आपकी जैसे ममता है क्लास में, मान लो वो बोले कि बाकी सारे स्टूडेंट सब मेरे से सेपरेट डिफरेंट इंडिपेंडेंट है, दैट इज रियलिज्म। रियलिज्म मीन्स सेपरेट डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो रियलिज्म तो ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो करता है आपका आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्रिएट्स प्रॉब्लम। अब आइडियलिज्म क्या बोलता है? आइडियलिज्म है ये नोवर है आपका, इधर आपका नोएबल है, बोर्ड। अब आइडियलिज्म वाला क्या बोलेगा कि ये जो है ना नोएबल, इसकी कोई सेपरेट डिफरेंट
और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि नोवर बोल रहा है कि ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली सिर्फ मेरे आइडियाज हैं। इन रियलिटी बोर्ड हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इसका मतलब तो ये हो गया कि जैसे मेरे सामने मेरा लैपटॉप है ना, तो मैं बोलूंगा कि लैपटॉप का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ये सिर्फ मेरे आइडियाज की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब लैपटॉप इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरा माइंड ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है कि सामने लैपटॉप है। आप क्या इस थियरी को मानोगे? नहीं, क्योंकि ये आपकी थियरी जो है, अगर इसको आप मानोगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। इसके हिसाब से तो ना बोर्ड एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली, ना ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली, ना आप एग्जिस्ट करोगे, कोई भी आप में से स्टूडेंट एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली। नो वन विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम दी माइंड। तो बेसिकली लाइफ में जब आइडियलिस्टिक हो जाता है पर्सन, तब प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सबने समझ आ गया होगा, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट लेना है तो। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट वॉज आइडियलिस्ट आइडियलिस्टिक। हम बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हम सोचते थे हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आइडियलिस्टिक आपके माइंड में है। फिर भी चाइना ने अटैक किया, अब उसके बाद आइडियलिस्टिक के बाद हमारी फिर हम रियलिज्म पे गए। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हुई वो रियलिस्टिक हुई कि भाई ऐसे दिमाग में नहीं सोचना है कि हम अच्छे तो ही अच्छे हैं। अब फिर रियलिस्ट से हम किस पे गए? प्रैग्मेटिक पे, जहां हमें फायदा होता है उससे दोस्ती रखते हैं, नहीं होता नहीं रखते। सो यू नीड टू बी प्रैग्मेटिक इन योर लाइफ इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल। या तो प्रैग्मेटिक रहो या रियलिस्टिक रहो, आइडियलिस्टिक नहीं होना। आइडियलिस्टिक में क्या होता है, बंदा जैसे ये कोई लड़का है, सम बॉय इज देयर एंड सम गर्ल इज देयर, ये मुस्कुराए इसको देख के। अब ये मुस्कुराए सिर्फ, हो सकता है किसी भी कारण से मुस्कुराई हो, ये चंपू लग रहा हो, ठीक है, ये ऐसे इसकी तरफ देखा उस समय ये मुस्कुराई रही हो किसी और बात पे। अब ये लड़का क्या करेगा, ये लड़का घर चला गया, ठीक है। अब घर जाके इसके दिमाग में सिर्फ आइडियाज, कौन से आइडियाज? लड़की मुस्कुराई, पढ़ाई लिखाई सब चौपट। क्यों? बिकॉज ही हैज बिकम आइडियलिस्टिक इन नेचर। उसको पता नहीं है क्यों मुस्कुराए, लेकिन आइडियाज क्रिएट करके वो कैसा हो गया? आइडियलिस्टिक हो गया। मतलब दिमाग में आप अगर ऐसे आइडियलिज्म क्रिएट करोगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसलिए आइदर बी रियलिस्टिक और बी प्रैग्मेटिक, डोंट क्रिएट आइडियाज इन योर माइंड। बहुत से लोग आइडियाज क्रिएट कर लेते हैं कि ऑप्शन में ले आएंगे, 300 ऑप्शन में ले आएंगे और 150 ऐसे में ले आएंगे, 120 एथिक्स में ले आएंगे, बस अपना तो हो गया सिलेक्शन। पढ़ते हैं नहीं, बस आइडियाज क्रिएट करते, रोज यही आइडियाज क्रिएट करते रहते, नहीं। सो बी रियलिस्टिक इन योर लाइफ, बी रियलिस्टिक और बी प्रैग्मेटिक, अदरवाइज यू विल फेस सो मेनी डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। ओके, सो दिस इज योर रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। ओके, किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो, रियलिज्म और आइडियलिज्म में किसी को डाउट है आप पूछ सकते हो। अभी तक जो पढ़ाया उसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। आज यही क्लास खत्म करेंगे, अभी नहीं कर रहा खत्म, अभी आपके डाउट हो कोई तो आप उससे पूछ सकते हो। एनी वन हैविंग एनी डाउट? एनी वन हैविंग एनी डाउट?